देखिए, हमारा ये अनुसंधान केंद्र विश्व के इने गिने अनुसंधान केंद्रों में से एक है। जो हम व्हीकल यहाँ बना रहे हैं, चाहे टैंक हो या अन्य किस्म के, तो इने गिने देशों के पास, चार पांच देश ही इसे बना सकते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत से और DRDO ने जिस किस्म से मेहनत करी है, आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। जल में, थल में, नभ में हम बहुत पावरफुल हैं, आज बहुत ताकतवर हैं। आज हमारे साइंटिस्ट यानी कि हमारे वैज्ञानिक तन मन से रात दिन काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज कोई आंख उठा के भी हमारे देश की तरफ देख नहीं सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से जो जिसको चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को क्या चाहिए, हमारी फौज को क्या चाहिए, कौन से अनुसंधान करने हैं, कितनी धनराशि की जरूरत होगी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं करी है। इसीलिए तो आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं। 9 साल के अंतर्गत ही 2014 के बाद आज तक आप देखिए, भारत का कायाकल्प हो गया है। चंद्रयान आपने देख लिया है, उसके बाद आपने आदित्य L1 देख लिया है, तो आज तो दुनिया में भारत की जय जय हो रही है। और भारत आज हम जो चार पांच देश बहुत पावरफुल हैं, उनमें हमारी गिनती हो गई। आप जानते हैं, आप अगर INS विक्रांत से लेकर सारी एक एक चीज़ को देखिए, सारी चीज़ें इंडिजिनस, आत्मनिर्भर, क्या नहीं कर दिया आज हमने, कमाल कर दिया हमारे वैज्ञानिकों ने। आज हमारा उदाहरण दिया जा रहा है सब जगह। पूरी दुनिया में कोई भी घटना होती है तो आज दुनिया के बड़े लोग, बड़े देश कहते हैं कि मोदी जी का व्यू क्या है, भारत का व्यू क्या है, भारत के जो दृष्टिकोण है उसको देखो। इसलिए हम लगातार और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, DRDO को बधाई देता हूँ। अभी अर्जुन का हमने राइड किया, आपने देखा, तो कितना अधिक और कितना अच्छा, आज इसका मुकाबला नहीं है कहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं कि उसका मुकाबला नहीं है। आज विश्व के जो बहुत विकसित देश हैं, वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मोदी जी पीछे से थपकी नहीं मारते हर एक को, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जो चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, तो शायद हतोत्साहित होते हमारे वैज्ञानिक। चंद्रयान में आपने देखा, इसरो के जो तत्कालीन हमारे सर्वे सर्वा थे, हमारे अधिकारी थे, डायरेक्टर थे, जो भी कहें आप, वो फपक पड़े थे जब उस समय हमको सफलता नहीं मिली और उन्होंने थपथपाया था, आगे बढ़ो, हम चंद्रमा पर पहुंचेंगे। और पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व का कोई आज तक जा ही नहीं पाया। ये सबसे बड़ी हमारी जीत हुई है। थैंक यू।